के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी एवं महानवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया पर्व पारस्परिक सद्भाव एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने का आह्वान। शारदीय नवरात्रि में गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने की मां महागौरी की आराधना। संधि पूजन के साथ किया आरती, वितरित हुआ प्रसाद। प्रख्यात रामकथा वाचक मुरारी बापू दर्शन करने पहुंचे गुरु गोरखनाथ मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कुंभ प्रयागराज 2019 के पुस्तकों किया सप्रेम भेंट। रामकथा के दूसरे दिन कथा वाचन मुरारी बापू के अमृतवाणी में डूबे रहे श्रोता। मुरारी बापू ने कहा भक्त भक्ति भगवान और गुरु है एक ही नाम। झरना टोला में धर्मांतरण की सूचना को पुलिस ने बताया फर्जी। सीओ गोरखनाथ ने कहा मौके पर हुई जांच तो नहीं मिला धर्मांतरण का मामला। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में खोराबाद पुलिस ने 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरामद किए 12 असलहे और फर्जी लाइसेंस। एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया खुलासा। कहा अभी और लाइसेंसधारी हैं रडार पर। खोराबार थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्रों और छात्रा से लूटपाट की घटना को सीओ कैंट एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया खुलासा, दी जानकारी। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर देवरिया मार्ग पर किया जाम। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में गोरखनाथ स्थित हिंदू सेवाश्रम में डीएम और एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के दिए आश्वासन। दिव्यांग को दिया ड्राई साइकिल। महानगर में त्योहारों के मद्देनजर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। आम जनमानस को दिलाया सुरक्षा का एहसास। त्योहारों का सकुशल संपन्न कराने की अपील। इमामबाड़ा मुतवलियान कमेटी की ओर से शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ त्योहारों को संपन्न कराने के लिए इमामबाड़ों के मुतवलियों और गणपति पूजा उत्सव के आयोजकों को किया गया सम्मानित। भाजपा के पदाधिकारियों की हुई बैठक। 13 और 14 अक्टूबर होने वाले बीजेपी के महानगर मंडल पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर हुई चर्चा। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति कालीबाड़ी द्वारा अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया तुलसी के पौधे का वितरण। अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन गोरखपुर के तत्वाधान में की गई बैठक। विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। आंदोलन की दी चेतावनी। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन ने निकाला दुलदुल जुलूस। और पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के साथ घर घर में हो रही है मां की आराधना। मोहरीपुर में 1992 से हो रही प्रतिमा स्थापित, लाखों लोग करते हैं दर्शन।